वेलकम टू व्यूअर्स, मेरा नाम कुतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। होपफुली आप लोगों को ये बेनिफिट देगी, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। जी तो व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है, इसका टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे होते कि मैम आप किसी और सिटी की वीडियोस बनाएं, आप लाइक आप सिर्फ इस्लामाबाद को क्यों प्रेफर करती हैं, तो आप डिफरेंट सोसाइटीज़ की क्यों सिटीज़ की वीडियोस क्यों नहीं बनाती। तो आज मैं उन लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, वाई टू इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद सोसाइटीज़, तो या इस्लामाबाद में क्यों आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप इस्लामाबाद में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, वाई टू इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद। तो आज का जो सेशन है हमारा, कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उनको जस्टिफाई भी करूंगी, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस्लामाबाद में आपको मैं प्रेफर क्यों करती हूँ या इस्लामाबाद में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। जी तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है जी कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है इन इस्लामाबाद, वो इस टाइम बूम पे है, मतलब टॉप पे है। इस टाइम अकॉर्डिंग टू देखा जाए अदर सिटीज़, तो जो मतलब देखा जाए इस्लामाबाद का टॉप पे क्यों है, बूम पे क्यों है, तो मैं आपको जस्टिफाई कर दूँ। वो इसलिए कि जो इस्लामाबाद में देखें, उस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जो कि बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना कंपनीज या बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं या हब होते हैं, जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जिसे कहते हैं, तो वो इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम जो है देखा जाए बिज़नेस चल रहा है, वो रियल एस्टेट का चल रहा है। सेल परचेज चल रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, तो जो बिज़नेस है यहाँ पे, हर बंदे दूसरे बंदे से पूछो तो क्या काम किया, यार मैंने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया, यार मैंने अपने कुछ घर लिए हैं, मैंने कुछ प्लॉट्स लिए हैं, मैंने कुछ फार्म हाउस लिए हैं, तो मतलब हर बंदा यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रियल एस्टेट बिज़नेस ही कर रहा है। इवन कि इंडिविजुअल है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में है। सिक्योरिटी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है इस्लामाबाद में, मैं आपको बता देती हूँ। अदर सिटीज़ में उस तरह से मेरे ख्याल से चीज़ें नहीं देखी जाती। इस्लामाबाद का जो मैंने देखा है रूल एंड रेगुलेशन जिसे कहते हैं, जो हमारे यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली मतलब CDA कर लें, RDA कर लें, आपको वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कौन सी सोसाइटी इलीगल है, कौन सी लीगल है, NOC स्किन की हैं, तो यहाँ पे एक्शन भी लिया जाता है। स्पेशली जो सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे कोई ऐसी फेक चीज़ हो रही है तो वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब करप्शन हर जगह होती है, फ्रॉड हर जगह चल रहे होते हैं, कि मैं इनकी CDA या RDA की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो है प्रॉपरली सोसाइटीज़ का, यहाँ क्योंकि रियल एस्टेट की यहाँ इंडस्ट्री बहुत इन है, तो यहाँ पे प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। डेफिनेटली CDA RDA को भी बेनिफिट होते हैं हर तरह से, लेकिन ओवरऑल ये एंड यूज़र या इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कि अब चाचा जी नंबर थर्ड पे आता है जी गुड रिटर्न्स। लाइक जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं आपको वो बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री में जो सेल परचेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से आती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कह लें, मतलब पूरी पाकिस्तान से कह लें, इंटरनेशनली पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो स्पेशली सारे लोग जो इस्लामाबाद इसका कैपिटल है, तो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेल्स परचेज ज़्यादा हो रही होती है, तो इस तरह से रिटर्न्स आपको जो हैं बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। एज अ देखा जाए रेंटल वैल्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। जैसे कि कराची या लाहौर में आप देख लें, जो आप लोगों को 50-60 हज़ार में पूरा 10 मरला का घर मिल जाता है अच्छी सोसाइटीज़ में, तो यहाँ पे आपको 1,80,000 से कम नहीं मिलता। बहुत मतलब जो रेंटल वैल्यू यहाँ पे वो भी बहुत हाई है जी। अब कुछ बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ जो इस्लामाबाद की है बहुत बेटर है। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ से बहुत कंसर्न होते हैं कि हम मतलब हालात ऐसे हैं, अगर हम वो देख रहे होते हैं इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, ये नहीं देख रहे होते कहाँ हो गया, तो पाकिस्तान में मतलब बहुत बड़ा है जी, ऐसा नहीं है कि छोटा सा पाकिस्तान है डिफरेंट सोसाइटी हर कंट्री में होता है, हाईलाइट नहीं होता पाकिस्तान, ज़रा खुद को खुद ही ज़्यादा हाईलाइट करो होता है। तो खैर मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के जो अदर सिटीज़ हैं उनसे बहुत बेटर है। जैसे कि मोबाइल स्नैचिंग वगैरह होती है काफ़ी जगहों पे, काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में काफ़ी बेटर हालात इसलिए हैं
क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान नेवी, हमारी एयर फोर्सेस, आर्मी, ये इनके हेड ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, जो एम्बेसीज़ हैं यहाँ पे, ओवरऑल जितने भी बड़े हमारे हसास इदारे यहाँ पे, वो यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद कैपिटल में. तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लॉ एंड जो ऑर्डर सिचुएशन है यहाँ पे, वो काफ़ी कंट्रोल्ड है. ये नहीं कि बिल्कुल, मैं आपको कहती नहीं है, हर जगह होती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कंट्रोल है इस चीज़ पे जी. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का जो है वो नंबर 5 पे, वो है जी ट्रैफिक सिनेरियो इन इस्लामाबाद. तो स्पेशली ये हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, घर बना कर यहाँ रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ के ट्रैफिक से बहुत कंसर्न होते हैं कि जो मतलब ट्रैफिक है यहाँ पे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा है. तो डेफिनेटली है, लेकिन एज़ कंपेरिजन टू अदर सिटीज़ को देखा जाए और इस्लामाबाद को, तो इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है वो उस तरह से नहीं है. मतलब जैसे आप, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान को स्पेशली बताना चाहूँगी कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में जिस तरह से ट्रैफिक, मैंने खुद विज़िट किया है इंटरनेशनली, तो जिस तरह ट्रैफिक मेंटेन की गई होती है या उस तरह से, हाँ मैं ये कहती हूँ कि बहुत बिल्कुल उस तरह से नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हाँ इस्लामाबाद की ट्रैफिक है, क्योंकि सिग्नल फ्री जोन है और काफ़ी वाइड रोड्स हैं, खुले खुले रोड्स हैं, मतलब इस तरह से सिग्नल्स नहीं है, या मतलब आप ट्रैफिक जैम नहीं होती यहाँ पे, तो अच्छे रोड्स हैं. मतलब ट्रैफिक को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है यहाँ पे भी. तो हो जाती हैं थोड़ी बहुत वो वाली प्रॉब्लम्स, लेकिन डेफिनेटली वैसा नहीं है. बट 85% यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छे से मेंटेन की गई हुई है जी. तो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है जी नेचुरल ब्यूटी. जबकि नेचुरल ब्यूटी की बात आती है तो इस्लामाबाद हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल है इस्लामाबाद जो है. और देखा जाए इसमें जो माउंटेन्स हैं, जो इसके लश ग्रीन पहाड़ हैं, मतलब जो इसका मास्टर प्लान डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे डैम्स, जो इसकी मतलब ओवरऑल जो इसका लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है. तो इवन के जो इंटरनेशनल एक मैगज़ीन में आया था, जो कि इन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद का जो कैपिटल है, इसको नंबर वर्ल्ड का नंबर सेकंड जो इसको करार दिया था. तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये है. और मेरे ख्याल जब भी खूबसूरती की बात होती है तो इस्लामाबाद की बात ज़रूर होती है. तो इस्लामाबाद एज अ खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैपिटल है यहाँ पे. तो आप यहाँ पे खूबसूरत जगह पे जब बंदा रहता है ना घर बनाने के लिए, जब बंदे का माइंड बनता है, तो जब भी तो बंदा कहता है यार इस्लामाबाद में होना चाहिए. ब्यूटी को डिस्कस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ पे आप लोग घर बनाएं, यहाँ पे आकर रहें, अपने बच्चों को अच्छा मतलब खूबसूरत जगह पे एक यूनिक लाइफस्टाइल आप लोग दे सकते हैं. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कैपिटल है इस्लामाबाद, जहाँ पे मतलब अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. तो बात की जाए ओवरऑल लाइफस्टाइल की, तो जब आप किसी मतलब अदरवाइज़ देखा जाए हमारे अदर सिटीज़ में पाकिस्तान में, बहरिया, DHAs, काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं जिनमें आप रहते हैं, और मतलब बड़ी खुशी से सारा इन्वायरमेंट आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सोसाइटीज़ बड़ी खूबसूरत होती हैं. लेकिन जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और जो मतलब वो शहर की वही जो इन्वायरमेंट होता है, वही मतलब पुरानी ट्रैफिक, वही सिनेरियो, तो उसको देख के फिर आप मतलब डिस्टर्ब से हो जाते हैं. तो इस्लामाबाद की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो सोसाइटीज़ तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो कि ओवरऑल इन्वायरमेंट है इस्लामाबाद का, वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है यहाँ पे. मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं यहाँ पे, वो इतना वो सिचुएशन नहीं होती उधर जो ट्रैफिक्स, या मतलब एक पेंडू स्टाइल वाली लाइफ नहीं है. प्रॉपर कैपिटल है यहाँ पे. मतलब आपको वो लाइफस्टाइल जो आप चाहते हैं कि ओवरऑल मतलब ये ना होना कि सोसाइटी के अंदर आप जाएं और आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिले और बाहर निकलें तो आप कहें जी मैं किधर आ गया हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है. यहाँ पे ओवरऑल जो इस्लामाबाद है बहुत खूबसूरत है, आप बाहर निकल सकते हैं बिला झिझक. आप मेट्रोज़ हैं, आप यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल स्टाइल की छोटा मिनी दुबई आप इसे कह सकते हैं, तो वैसी लाइफस्टाइल आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं. पे जो हमारा पॉइंट है वो है जी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो इस्लामाबाद में जो देखा जाए तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है. अदर सिटीज़ के अलावा मतलब देखा जाए वहाँ पे पुराने पुराने काफ़ी बड़े हैवी वो कहते हैं ना बिजनेसेस हो रहे हैं, हर तरह का मतलब चेन्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है इस तरह से. तो इस्लामाबाद जो है वो जी अभी डेवलप हो रहा है, जो यहाँ पे वो चीज़ें लाई जा रही हैं, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू मतलब इंटरनेशनल बिजनेस की चेन्स जो होती हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से हट के अगर यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं,
आप एजुकेशन सेक्टर में कुछ बनाना चाहते हैं या मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जी। तो नंबर 9 पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जे जो इस्लामाबाद है ये जी एक टूरिस्ट सिटी है। टूरिस्ट सिटी कैसे है जी, देखा जाए जब भी आप पूरे पाकिस्तान से या कहीं से भी आते हैं तो आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वो इस्लामाबाद है। और आप जब भी अगर नॉर्थ की साइड पे अगर आप घूमने फिरने जाते हैं लाइक नारायण, कागान, नीलम, हुंजा, किसी साइड पे भी अगर आप जाते हैं तो आपने फर्स्ट स्टॉप आपका होता है जी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में भी काफ़ी सारे घूमने के पॉइंट्स हैं। लोग मतलब स्पेशली दूर दूर से, मैंने देखा कराची, लाहौर से, हर तरफ से, पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में घूमने के लिए आते हैं। तो इससे ये है कि आपका जो बिज़नेस है, जो आपका जो वो काफ़ी सारा बढ़ता है, काफ़ी सारे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे टूरिस्ट सिटी हो तो आपको पता है काफ़ी सारे लोगों के इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, फिर अगर आप यहाँ पे इस्लामाबाद में ख़ुद रह रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल काफ़ी करीब हैं जो घूमने फिरने की लोकेशंस हैं, नारायण कागान कह लें, नीलम कह लें, कश्मीर कह लें या मरी, तो यहाँ पे घंटों की ड्राइव पे आप जा सकते हैं। वीकेंड्स पे आप अपनी फैमिली के साथ, तो एक्सेस वाइज आप कराची से आते हैं फ़्लाइट लेके या लाहौर से आते हैं या ट्रैवल करके तो फिर आप यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से यह है कि ईजी एक्सेस हैं घूमने फिरने की भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब टूरिस्ट सिटी यहाँ पर है तो आपको इसका भी बेनिफिट है पे। और हमारा जो आज का पॉइंट है वो है जी एजुकेशन, जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह लें, हर बंदे का यही होता है कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन ले और मतलब अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। तो उनके भी मैं आप थोड़े से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्पेशली बता दूं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो स्पेशली इस्लामाबाद जो है हमारा जो कैपिटल है, यहाँ पे वो तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। यहाँ पे NDU है, यहाँ पे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे NUST है, यहाँ पे मतलब जितनी बड़ी बड़ी आप कॉन्सर्ट्स है तो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे स्टडी के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी आला तालीम यहाँ पे दिलवा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है वो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ओवरऑल आपको देखा जाए कंसर्न अगर होता है एजुकेशन का तो यहाँ पे परफेक्ट है, आप यहाँ पे रह सकते हैं। आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप मेरे पॉइंट से डिसएग्री हैं या कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और डेफ़िनेटली इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी रिसर्च करते हैं उसके बाद आप लोग सारे डिटेल्स शेयर करते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑन ग्राउंड जाके हर चीज़। मतलब जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर प्रॉपरली पूरी रिसर्च करते हैं देन आप लोग साथ शेयर करते हैं, लेकिन मिस्टेक्स इंसान से होती हैं, लर्निंग सारी लाइफ इंसान की चलती रहती है। सो एनी हाउ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ कुरतलैन को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।